ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप नीट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, और आपको बता दें कि नीट की काउंसलिंग बहुत ही मजा हुआ चीज है। मतलब बहुत कई बार ऐसा होता है कि कम मार्क्स में बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज किसी को मिल जाता है और किसी का बढ़िया नंबर आते हुए भी उतना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो नीट की काउंसलिंग की सारी अपडेट के लिए आपको नीट सास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एक अपडेट आपको देंगे कि कौन सा कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, कौन से राउंड की काउंसलिंग चल रही है, क्या काउंसलिंग में अपडेट आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत करता हूँ नीट सास में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे नीट के आपने आंसर की से अपने अपने रिजल्ट्स को मिला लिए होंगे, मार्क्स मिला लिए होंगे, आपका अमूमन जो भी मार्क्स आ रहा हो उस बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी देख ली होंगे, नहीं देखे तो जाके हमारे प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। हर स्टेट वाइज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी लिस्ट निकालने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो आपने जो भी देख ली होगी चीजें तो उससे एक आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको काउंसलिंग करा रहे हैं इस बार या नहीं करा रहे हैं, मतलब आप इस बार मेडिकल कॉलेज के रेस में है या नहीं है, ये चीज आपको अंदाजा लग गया होगा। पर उससे पहले अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं एग्जाम में, वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से अगर बनवा के रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा कि काउंसलिंग समय आपको पैनिक क्रिएट नहीं होना पड़ेगा, आपको बार बार इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग में रखते हैं पहले से ही प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास 10-12 दिन का समय है और इसमें 10-12 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो बन भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो अगर नीट काउंसलिंग आप करा रहे चाहिए तो वो है आपका नीट 2020 का एडमिट कार्ड। तो आप बोलेंगे सर नीट 2020 का एडमिट कार्ड तो सर बहुत जगह वहीं पे ट्रैश करा दिया गया, मतलब वहीं पे फेंकवा दिया गया था, तो सर दोबारा से हम एडमिट कार्ड कहां से लाएंगे, जाइए अभी भी प्रिंट कर सकते हैं आप, पोर्टल खुला है, नहीं किए सेव किए होंगे मोबाइल में, प्रिंट करा के रख लीजिए, ठीक है एडमिट कार्ड। दूसरा जो आपका काउंसलिंग होने मतलब रिजल्ट आने के बाद आपका एक रैंक कार्ड आएगा, नीट का एक रैंक कार्ड आएगा, उसको भी प्रिंट करा के रख लीजिएगा। सभी का दो दो कॉपी जरूर कराइएगा, ये आपके लिए मस्ट, मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा दो दो कॉपी क्यों, क्योंकि एक आप अलग जैसे जब आईटी काउंसलिंग की आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अलग अलग संस्थान, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ये चीजें सब अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। तो हर रजिस्ट्रेशन में आपको हर जगह का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में ऑल इंडिया कट ऑफ का जो 15% के लिए उसमें करना होगा, एम्स जिपर में करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग करना होगा, एफएमसी का अलग होगा, ऐसे ही करके अलग अलग कॉलेज जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं सब अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कराती है, तो उसके लिए सारी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये चीज तो उसी समय आएगा, पर ये अभी से आपको ले लेना है। तीसरा जो चीज है वो है 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज आपको बता दूं जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में नाम होगा, भले जैसे आपका मेरा नाम आशुतोष राय और अगर हमारा 10th में आशुतोष कुमार राय है तो दिक्कत हो सकती है, तो नाम और क्योंकि 10th का मार्कशीट जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। तो जो एज आपका इस पे होगा 10th के, एक 10th का ही मार्कशीट होता है जिसपे एज लिखा होता है आपका, तो अकेले इसीलिए इसको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी माना जाता है। दूसरा जो होगा आपका चौथा जो होगा वो 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट सिर्फ पासिंग के लिए देखी जाती है कि आपने 12th पास किया है या नहीं किया है, ठीक है। बहुत बच्चे ग्रेजुएशन के बाद देते हैं तो उनका ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। फिर और मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड वगैरह में मिलता था, पर सीबीएसई बोर्ड वालों का जो मार्कशीट होता है वही पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें चाहिए। पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी होगा आपका आईडी प्रूफ, वो आईडी प्रूफ चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग कराएंगे तो आईडी प्रूफ भी उस समय इसका चाहिए, और इसकी आप 4 कॉपी करा के रख लेंगे, जीरोक्स सबका करा के अभी से आप रख लेंगे, काउंसलिंग कराने जा रहे तो दो कॉपी, 4-4 कॉपी सबका जीरोक्स करा के रख लेंगे बाद में, क्योंकि पैनिक क्रिएट होते हैं जब काउंसलिंग कराने जाएंगे आप तो उस समय बहुत परेशानी होती है कि चीजें मिलती नहीं, तो आप एक एक सेट बना लेंगे, ठीक है। तो 4-4 कॉपी सबका करा लेंगे और उसमें एक ये ऐसे ऐसे रख के एक पिंच कर लीजिएगा, एक एक सेट तैयार करके रख लीजिए, जाके जहां भी देना हो और स्कैन करके भी एक फोल्डर में अपने मोबाइल में, क्योंकि चूंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होने की इस बार ज्यादातर संभावनाएं ज्यादा होती तो ऑनलाइन ही काउंसलिंग है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था, पर हो सकता है इस बार वो भी ना जाना पड़े, इसलिए आप सारा चीजें पीडीएफ और जेपीजी फॉर्म में भी जरूर रखिएगा अपने फोन में, ये चीज पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए छठी जो चीज है वो है आपका कि पासपोर्ट फोटो। ये जो दोस्तों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो फोटो है जो आपने फॉर्म में डाला था, अगर वो फोटो आपके पास नहीं है जो फॉर्म में डाला था तो रीसेंट फोटो भी चल जाएगी, खिंचवा लीजिएगा, और ये फोटो कम से कम आपके पास 8 होनी चाहिए, 8
तो मैं तो सलाह दूंगा 16 फोटो खिंचवा के रख लीजिए अभी से, अगर नहीं है तो पुराना फोटो है तो उसी से फोटो बनवा लीजिए, अगर वो फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पासपोर्ट फोटो आपको 8 चाहिए। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो जरूरी नहीं है सबके लिए पर कुछ बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए बच्चे अलग अलग अप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ओबीसी होंगे, कुछ बच्चे नया ईडब्ल्यूएस जो आया वो होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे एससी एसटी होंगे। तो जो बच्चे जिस कैटेगरी के रेस्पेक्टिव होंगे, ओबीसी एससी एसटी जो भी होंगे, उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है उनके पास, ठीक। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए। दो तरह का कई बार सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, जब कैटेगरी वाले होंगे वो जानते होंगे कि एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट अपने हिसाब से वर्गीकरण करती है, अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका स्कूल से जब आपने 12th पास किया होगा तो एक टीसी मिला हुआ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और अगर आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं यूपी का हूं, अगर मैं बिहार जाके एडमिशन लूंगा कैसे, ऑल इंडिया कट ऑफ के थ्रू, या कोई भी दिल्ली का कॉलेज लेना चाहूं, तो मुझे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये सब के आपके स्कूल से मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाकर बनवा लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग से पहले, रिजल्ट आने से पहले आपके पास होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके पास तीसरा जो चीज है डोमेसाइल, डोमेसाइल। अगर आप किसी स्टेट के हैं, जैसे मैं यूपी का हूं, आप राजस्थान के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप बिहार के हैं, या आप महाराष्ट्र या दिल्ली के हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लेंगे, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जब स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे, ऑल इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है, पर आप जब अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें डोमेसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो आपको मानेगा कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो दोस्तों है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है स्कूल से, उसको भी ले लीजिएगा। हालांकि इसका यूज जो होता है जब एडमिशन हो जाता है तब होता है, पर आप ले लीजिएगा। ये तीनों चीज, कैरेक्टर, टीसी, माइग्रेशन, ये सारे स्कूल से आपके बनते हैं, स्कूल से आप बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई पेमेंट करिए, ठीक है, जब भी आप काउंसलिंग में क्या करेंगे, अभी पेमेंट्स होंगे, कई सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, अलग अलग संस्थाओं के, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, तो जब भी आप कोई भी तरह का पेमेंट करें तो उसका रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट या जीरोक्स या कुछ भी अपने पास जरूर रखे रहेंगे एज ए प्रूफ, ताकि कल को अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपके पास प्रूफ रहे कि सर देखिए मैंने ये चीज रजिस्ट्रेशन की है, हमने इसका पेमेंट कर दिया था। कई बार ऐसा होता है बच्चों के पास प्रूफ नहीं होता, टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया नीट का जो काउंसलिंग है वो बहुत ही पेचीदा चीज है, क्योंकि कई बार होता है बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कई चीजें होती है, जैसे मॉकअप राउंड की काउंसलिंग होती है, मॉकअप राउंड, स्ट्रे राउंड, ये सब राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें कम से कम नंबर पे भी बच्चों को अच्छा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज होते हैं वो भी बहुत कम कम मार्क्स पर मिल जाते हैं। पर कैसे, अगर आपको जानना है मॉपअप और स्ट्रे राउंड के बारे में, कमेंट करके बताइए, हम आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो लाके, क्या है मॉपअप राउंड, क्या है स्ट्रे राउंड, कैसे कम मार्क्स पर बढ़िया मेडिकल कॉलेज पाए, ये सब जानकारी देंगे अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट करके आता है, जब नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा आता है तो, ठीक है दोस्तों। ये थी पूरी आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले से बनवा के रख लेनी है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट की तैयारी कर चुके मतलब काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार जिस तरह से हमें मिल रहा है, हमें मोटिवेशन है, आपका प्यार, आपके जो सपोर्ट मिल रहा है वही हमारा मोटिवेशन है, और हम दिन रात आपके लिए काम करें। हमारी टीम पूरी, हमारी जो भी 10-12 लोगों की पूरी टीम है, एक्सपर्ट है, जो काउंसलिंग कराती है, पहले से काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स हैं कई सारे, ठीक है, और अलग अलग फैकल्टी जो है, जैसे आकाश एलएन के टीचर्स हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, जो भी अलग अलग कोचिंग से जिनका एक्सपीरियंस है 30-35 साल का इस इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उन सारे से हम टच में हैं, उनसे लगातार हम अपडेट ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी अपडेट आपको मिलेगी, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।